खुशी हो रही है। मुझे खुशी है कि मेरे कोच साहब ने इतनी मेहनत करवाई कि मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट हुई और हमने अच्छे से गोल्ड कब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम लाठ जोड़ी चौक के ऊपर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशियाड में गोल्ड मेडल जीतकर सरकतल गांव की बेटी है बिंदु मलिक जो है यहाँ पर पहुंची है। खो खो के अंदर जो है इन्होंने एशियाड में गोल्ड मेडल जीता है और यहाँ पहुँचने पर बड़ा ही जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ सबसे पहले बिंदु से ही हम जानने का काम, कब से ये कब तक ये जो है आपके खेल चले थे। हमारे खेल 20 तारीख से 24 तारीख तक गुवाहाटी में चले थे और वहाँ हमारी टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और हमने गोल्ड प्राप्त किया इंडिया टीम ने, बॉयज और गर्ल्स दोनों ने। गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे खुशी है कि मेरे कोच साहब ने इतनी मेहनत करवाई कि मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट हुई और हमने अच्छे से गोल्ड प्राप्त। तो कब से आप इस खेल को खेल रहे हैं। मुझे लगभग 12-13 साल से। 12-13 साल हो गए। किस तरह से परिवार ने आपका सहयोग किया। मेरे परिवार ने और मेरे कोच साहब ने बहुत सपोर्ट किया। तो गांव में ही रहते हैं आप, सरकतल गांव से ही। यस सर। तो आगे क्या सपना है आपका। हमारे कोच का सपना पूरा करना। चलिए, कोच भी जो है इनके हमारे साथ मौजूद है जी, आप क्या कहेंगे सर। ऐसा है जी, गांव का विकास के लिए बच्चों का मोटिवेशन करना हमारा जरूरी है। इसमें एज ए कोच की बहुत मेहरबानी है इसकी, इस इवेंट्स को लेने के लिए, और इसको शारीरिक तौर पर फिट सभी ने मिल करके किया, गांव ने सहयोग दिया। गांव के सरपंच भी शामिल हैं, अनूप जी भी शामिल हैं। गांव के सहयोग से इस बच्ची का विकास हुआ है और देश का विकास। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका। अजय, अजय डिप्पी भाई साहब। मैं यहाँ 2010 में ज्वाइन करा था, बेटी लगातार यहाँ प्रयासरत है। गांव की मिट्टी में इस लेवल से बच्चे, ब्लॉक लेवल से स्टार्ट किया था, छठी क्लास में इस लड़की ने आरम्भ किया था, आज पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। सबसे पहले मैं बेटी को, गांव वासियों को, इसके माता पिता को और जितने भी साथी मेरे सहयोगी रहे हैं जिन्होंने साथ दिया, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और बेटी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ताकि मेरी बेटी पूरे गांव का, देश का नाम रोशन करे और ऊंचाइयों पर। आगे किस तरह की तैयारियां रहेंगी, क्या तैयारियां। बेटी का लक्ष्य खेल अध्यापक या खेल कोच बनना है और ये उस तरफ अपना अगला कदम बढ़ा चुकी है। NIS के लिए तैयार है, गुड़िया है, DPED में फिलहाल इसका एडमिशन है। कम से कम उम्र कम है, नेशनल ज़्यादा खेल चुकी है गुड़िया, सारे जितने भी लगभग कम से कम 40 मेडल हैं नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो ये प्रतियोगिता है खो खो का, स्वदेशी खेल है ये खो खो वैसे तो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी कुछ ही सालों में इसको ज़्यादा बढ़ावा मिला है। और जो एशियन चैम्पियनशिप हुई आसाम में तुमुलपुर में, यहाँ बेटी ने 3-4 साल में प्रयासरत रह के ये कोशिश की है और कोरोना के दौरान प्रतियोगिता स्थगित हो गई थी, बेटी निराश हो गई थी। मैंने समझा बेटी घबराना नहीं है, क्योंकि लगातार लगी रहो, अभी तेरे को मौका मिलेगा। और इसके प्रयास से, इसके अधिक मेहनत से बेटी आज ये शिखर छू चुकी है। मुझे गर्व है इस बेटी पे, बिंदु नाम है इसका। आप कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं 2010 में ज्वाइन करा था और पांचवी छठी में छोटी सी आई थी मेरे पास, तभी मैंने इसकी प्रतिभा को पहचान के, कोच साहब ने, ये हमारे साथी हैं जूनियर, इन्होंने भी मेरा बड़ा सहयोग किया है। ये गांव से संदीप कुमार बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे खो खो के, और गांव से अपने ये दिलबाग जी हैं एथलेटिक्स के, इन्होंने भी बड़ा सहयोग करा इनको फिटनेस लेवल सुधारने में। और मेरा अपना जो था मेरे से बन पड़ा, मैंने बेटी के लिए जो अपने तरीके से प्रयासरत मैंने भी किया। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे जी। बस सर धन्यवाद, जो डीपी साहब ने कहा वो बहुत है। हाँ जी, मलिक साहब हैं गांव से ही। मलिक साहब, गांव की बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, क्या कहोगे। हमारे गांव को, पूरे हल्के को, जिले को, पूरी स्टेट को, पूरे देश को बहुत बड़ी खुशी का दिन है आज। पूरा गांव यहां पर, पूरा गुवांड, पूरा हल्का यहां पर स्वागत के लिए आ रहा है। और जो बेटी है गोल्ड मेडल लाई है एशियन खो खो में, तो ऐसे जैसे बच्चों को आगे भी ऐसा स्वागत हो रहा है, बच्चों को आगे भी इतना उत्साह होगा और मेडल आएंगे, इतना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर गांव वाले, पूरा जिले वाले को और पूरे गांव को शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बच्चे, हम आगे भी ये सोच रहे हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, पूरे गांव का, हल्के का, जिले का, स्टेट का, देश का नाम रोशन करें, हमारी यही शुभकामनाएं बेटी के लिए।